जंगल से रास्ता भटककर रिहायशी इलाके में वन जीवों के पहुंचने की बात नई नहीं है। इसी कड़ी में एक और जानकारी सामने आई है, जहां एक चीतल को गली मोहल्लों में भटकते हुए देखा गया, जिसकी जानकारी रहवासियों ने वन विभाग की टीम को दी, जिसके बाद आनन फानन में चीतल को पकड़ने का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। सिंगरौली के शांतिनगर मोहल्ले में अचानक एक चीतल पहुंच गया, जिसकी जानकारी रहवासियों ने वन विभाग की टीम को दी। जहां मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने करीब 10 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद चीतल को पकड़ने में सफलता हासिल की। वहीं वन परिक्षेत्राधिकारी बैठन भीमसेन ने बताया कि शांतिनगर मोहल्ले में अचानक सूचना आई थी कि एक चीतल जंगल से भटकते हुए नगर की ओर पहुंच गया, जिसके बाद जानकारी मिलते ही वन मंडलाधिकारी और एसडीओ को अवगत कराते हुए चीतल को पकड़ने के लिए टीम रवाना हुई, जहां 10 घंटे की मशक्कत के बाद चीतल पकड़ा गया। वहीं रेस्क्यू के बाद चीतल का स्वास्थ्य चेकअप करवाकर इको पार्क माड़ा रवाना कर दिया गया। इस ऑपरेशन में रेंजर भीमसेन, डिप्टी रेंजर सूर्यमणि त्रिपाठी और महेंद्र तिवारी समेत वन विभाग के कई कर्मचारी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रति माह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।